हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गुरु। आज का टॉपिक है रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्लास ए का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। यहाँ पे दो सम दिए हुए हैं, ए और बी। आज हम ये दोनों सम को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सम दिया हुआ है -2/3 (3/5) +5/2 -3/5 (1/6)। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले दो रेशनल नंबर और लास्ट टू रेशनल नंबर में 3/5 और 3/5 कॉमन है। तो यहाँ पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, चारों रेशनल नंबर को एक ही ब्रैकेट में लिख दिया है और यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता ही हमें, ए मल्टीप्लाई बाय बी और बी मल्टीप्लाई बाय ए। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3/5 और 3/5 कॉमन है। मैं यहाँ पे -3/5 को बाहर निकाल दूंगा, ठीक है, और अंदर हमारा बचेगा +2/3, क्योंकि यहाँ पे माइनस बाहर निकाल दिया तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे +1/6, और जो रिमेनिंग था +5/2 वो पीछे लिख देंगे। तो ये किससे हमने प्रॉपर्टी को यूज किया, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे -3/5, अब यहाँ पे जो ब्रैकेट है 2/3 +1/6 का एलसीएम लेंगे, और वो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 4 + 1/6, क्योंकि 3 और 6 का एलसीएम होता है 4, और पीछे जो रिमेनिंग बचा -5/2 वैसा का वैसा। अब यहाँ पे -3/5 (4+5) 5/6 हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया और ये 5 और ये 5 कट हो गया, तो ठीक है, और +5/2 जो दिया था वही पीछे है। अब हमारा क्या बचा रिमेनिंग, यहाँ पे इसमें से पूरे में से -1/2 बचा, +5/2 जो था हमारे पास। अब यहाँ पे वापस एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 कॉमन है तो एलसीएम आएगा 2, और -1 + 5 सो विच इज इक्वल टू +4, क्योंकि बड़ी साइड प्लस की है, तो 4/2 विच इज इक्वल टू 2, तो 2 हमारा फाइनल आंसर होगा। आइए सम नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 -1/6 (3/2) +1/4 (2/5). यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट टू रेशनल नंबर और लास्ट टू रेशनल नंबर में 2/5 और 2/5 कॉमन है, तो यहाँ पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इसलिए चारों रेशनल नंबर को मैंने एक ही ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है, और जो रिमेनिंग जो बचता है रेशनल नंबर हमने पीछे लिखा। अब यहाँ पे 2/5 हम कॉमन निकाल लेंगे ब्रैकेट के अंदर, -3/7 +1/14 -1/6 (3/2), ठीक है। और 2/5 यहाँ पे 7 और 14 का एलसीएम लेंगे 14 -6 +1 (3/2), अब यहाँ पे 3 × 2 = 6, तो यहाँ -1/4 बचेगा। 2/5 -5/14, 2 को हमने 14 से कट किया तो 7 बचेगा, 5/5 को कट किया माइनस जो बचा था हमारा 1/5 पीछे का पीछे, -1/7 -1/4, अगेन 7 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे आएगा -4 और -7, -+ आंसर आएगा -11/28, ये हमारा फाइनल आंसर। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।